सो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के शो में बात करने वाले हैं रिटर्न प्लेयर के बारे में, जो कि आज के दिन यहां पर सभी टीमों की तरफ से रिटर्न प्लेयर की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है कि आज के दिन कौन कौन से प्लेयर रिटर्न हुए हैं, कौन कौन सी टीमों ने किस किस प्लेयर को रिटर्न किया। तो इस वीडियो में जानने को मिलने वाले, जो कि वीडियो तो मोस्ट होने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन से पहले किन किन टीमों ने किन किन खिलाड़ी को रिटर्न किया है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहली टीम है तेलुगु टाइटंस की टीम, जो कि तेलुगु टाइटंस की टीम ने यहाँ पर परवेश भैंसवाल को रिटर्न किया है, जो कि आज के दिन के रिटर्न प्लेयर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर परवेश भैंसवाल को आज के मतलब रिटर्न किया। वहीं अगर एक टीम की बात करें तो यहाँ पर गुजरात जायंट्स की टीम है, जो कि मनोज को रिटर्न किया और यहाँ पर सोनू जागलान को रिटर्न किया है, जो कि एक रेडर है। यहाँ पर दो खिलाड़ी को आज के दिन रिटर्न किया। अब बात करते हैं अगली टीम, तो अगली टीम है बेंगलुरु बुल्स की टीम, जो कि बेंगलुरु बुल्स की टीम ने यहाँ पर नीरज नरवाल को रिटर्न किया है, जो कि एक बेहतरीन रेडर है। वहीं बात करें अगली टीम, तो अगली टीम है हरियाणा स्टील की टीम है, जो कि हरियाणा स्टील की टीम ने यहाँ पर के परपंजन को रिटर्न किया है, जो कि एक बेहतरीन रेडर है। अब बात करते हैं अगली टीम, तो अगली टीम पटना पायरेट्स की टीम है। पटना पायरेट्स ने यहाँ पर नीरज नरवाल मतलब नीरज को रिटर्न किया और उसके बाद यहाँ पर सचिन तरवर को रिटर्न किया, जो कि एक बेहतरीन डिफेंडर और एक बेहतरीन रेडर को रिटर्न किया, जो कि सचिन तरवर को यहाँ पर रिटर्न कर ली है। वहीं बात करें अगली टीम, तो अगली टीम है यहाँ पर पुरानी पटक की टीम, जो कि पुरानी पटक की टीम ने यहाँ पर रिटर्न किया है, जो कि अवनेश नटराजन को और यहाँ पर गौरव खत्तरी को रिटर्न किया, जो कि दोनों ही डिफेंडर हैं, कॉर्नर और कवर पे खेलते हैं। वहीं बात करें अगली टीम, तो अगली टीम यहाँ पर तमिल थलावज की टीम है, जो कि तमिल थलावज की टीम ने यहाँ पर अजिंक्य पवार को रिटर्न किया, जो कि एक बेहतरीन रेडर है तमिल थलावज की टीम की तरफ से। वहीं बात करें अगली टीम, तो अगली टीम युम्बा की टीम है, जो कि युम्बा की टीम ने आज के दिन यहाँ पर चार खिलाड़ी को रिटर्न किया, उससे पहले और भी खिलाड़ी को रिटर्न किया है। तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे सभी मतलब 12 टीमों के सभी रिटर्न प्लेयर के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि आज के दिन कौन कौन से रिटर्न प्लेयर हुए हैं। तो हैदर अली को रिटर्न किया है, उसके बाद सुरेंद्र सिंह को रिटर्न किया, जय भगवान को रिटर्न किया और रिंकू को रिटर्न किया है, जो कि यहाँ पर बेहतरीन प्लेयर है युम्बा की टीम के, तो इनको रिटर्न किया है। वही बात करें अगली टीम, तो अगली टीम यूपी ओदाज की टीम है, जो कि यूपी ओदाज की टीम ने यहाँ पर प्रदीप नरवाल को रिटर्न कर लिया है, जो कि लग नहीं रहा था रिटर्न करेगी, लेकिन यहाँ पर रिटर्न कर लिया प्रदीप नरवाल को यूपी ओदाज की टीम। और इनके साथ नीतीश कुमार को भी रिटर्न किया और भी प्लेयर को रिटर्न किया, जैसे मैंने पहले बताया। तो अगली वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो में मतलब अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं बात करें अगली टीम, तो जयपुर पीथक की टीम है, जयपुर पीथक ने यहाँ पर अजय वी अजीत कुमार को रिटर्न किया है, रेजा मीर भगेरी भवानी राजपूत, उसके बाद साहुल कुमार को रिटर्न किया और यहाँ पर सुनील को भी रिटर्न कर लिया है और साथ में अर्जुन देसवाल को भी रिटर्न किया है। तो यहाँ पर टोटल 6 खिलाड़ियों को रिटर्न किया है आज के दिन। उससे पहले और भी मतलब खिलाड़ी को रिटर्न किया, जैसे अंकुश बुक को भी रिटर्न किया है। तो हम आपको अगली वीडियो में मतलब बताएंगे कौन कौन से प्लेयर है, कौन कौन से टीम ने रिटर्न किया है। तो फुल डिटेल्स वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।